असली धन है भीतर का आनंद। दुनिया में हमें सिर्फ धन दौलत एकत्रित करने की जरूरत नहीं, इससे कहीं अधिक जरूरत होती है आंतरिक खुशहाली पैदा करने की। धन इंसान को सुख सुविधा मुहैया कराकर खुशहाल बनाने का एक साधन है, वो अपने आप में खुशहाली या आनंद नहीं है। दौलत का काम है आपके लिए बाहर की चीज को सुखद बनाना। पैसा सिर्फ एक साधन है, स्वयं समाधान नहीं है। हम बेमतलब ही इसको बहुत बड़ा बना देते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या यह बुरा है या फिर यह अच्छा है? इसका जवाब है कि यह न तो अच्छा है न ही बुरा है, यह महज एक साधन है जो हमने बनाया है। हमें यह समझना होगा कि कोई भी इंसान दौलत के पीछे नहीं भागता। यह सुनने में आपको बेतुका लग सकता है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि लोगों को जो चाहिए वो दौलत नहीं है। हाँ, दौलत उन चीजों को पाने का एक साधन मात्र है जिसको भी एक बेहतर जिंदगी के लिए जरूरी मानते हैं। दरअसल हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी खुशहाल हो। खुशहाली 5 अलग अलग तरीकों से आती है, या यह कहे कि खुशहाली के 5 स्तर है जो सामान्य इंसान के लिए है। अगर आपका शरीर खुशहाल हो जाता है तो उसे सुख या आराम कहा जाता है। अगर आपका मन खुशहाल हो तो हम उसको शांति कहते हैं। अगर मन बहुत ज्यादा खुश हो तो उसे आनंद कहा जाता है। अगर आपकी भावनाएं खुशी से भर जाए तो हम उसको प्रेम कहते हैं। अगर यह खुशी बहुत ज्यादा हो जाती है तो हम उसको करुणा कहते हैं। हालांकि इसके आगे के भी स्तर है। अगर खुशहाली आपकी जीवन ऊर्जा तक पहुँचे तो हम उसको परमानंद कहते हैं। अगर यह और बढ़ जाती है तो हम उसको उन्माद कहते हैं। यदि आपके चारों माहौल खुशहाल हो जाता है तो उसे ही असली कामयाबी कहा जाता है। आपको बस यही तो चाहिए है ना? इसलिए तो आप कहते हैं कि मैं तो स्वर्ग जाना चाहता हूँ। आप स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि लोगों को बीच यह मान्यता बनी हुई है कि स्वर्ग बहुत ही मनोहर और सुखद स्थान होता है। आप उस मनोहर और सुखद स्थान के बीच पाकर खुद को कामयाब महसूस करना चाहते हैं। दरअसल आप कहीं भी जाए तो यह है कि आपको जो चाहिए वह सुख है आनंद। फिलहाल आपको यकीन आता है कि इस दुनिया में धन दौलत से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। वह यह नहीं कहता कि आपका यकीन गलत है। मैं कहता हूँ कि यह बात एक हद तक सही है, जबकि यह पूरा सच नहीं है। सुख और आनंद पैसे से खरीदा जा सकता है, यह बात इन दिनों यानी कोरोना संकट के दौरान कुछ लोगों ने समझी है। रुपया धन दौलत होते हुए भी जब लोग महामारी से बचाव के कारण घर में कैद हुए तो उन्हें रुपये पैसों से अधिक सेहत और मन की शांति ही पड़ी, जिसे वे अपने दौलत खर्च करके नहीं खरीद सकते थे। वे अपने भीतर को आनंद को इस तरह नहीं जगा सकते थे। सच तो यह है कि धन दौलत आपको केवल बाहरी खुशहाली दे सकता है। इसके पास वह ताकत नहीं है जो आपको आंतरिक खुशहाली और आनंद भी दे सके। मान लीजिए आप बहुत धनी है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो आप एक 5-स्टार होटल में ठहर सकते हैं। लेकिन अगर आप शरीर मन भावना ऊर्जा के स्तर खुश नहीं है तो क्या आप 5-स्टार होटल की सुख सुविधाओं का आनंद ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप शरीर मन भावना और ऊर्जा के स्तर पर खुशहाल है तो आप एक पेड़ की छाया का भी आनंद पूरी शिद्दत से ले सकते हैं। तो क्या आपके पास धन दौलत नहीं होनी चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि धन दौलत मात्र साधन है, वह भी जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन वह आपकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी प्राथमिकता को समझना चाहिए। शरीर मन भावना और ऊर्जा के बाद ही पैसे का नंबर आता है। अगर आप इन चारों के स्तर पर खुशहाल है और आपके पास धन दौलत भी है तो आप बाहरी माहौल को भी बहुत खुशनुमा बना सकते हैं। इसके अलावा आप उस धन दौलत का इस्तेमाल दूसरों की जिंदगी में अपने सामर्थ्य के अनुसार खुशहाली लाने में भी कर सकते हैं, जो अंततः आपके भीतरी आनंद का भी कारण बनती है। धन दौलत के बारे में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। बात बस इतनी है कि अगर पैसा आपकी जेब की जगह आपके दिमाग में घुस जाए
वहाँ जगह बना ले तो आपको तनाव पैदा होगा और तमाम परेशानियाँ पैदा होगी। यानी यदि आप पैसा कमाने की होड़ में लग गए या इससे आपका मूल स्वभाव प्रभावित हुआ तो आप अन्न से दूर होते जाएंगे और परेशानियों से घिरते जाएंगे।